तो देखो, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो वो बंदा कौन था जिसने औरंगजेब का विद्रोह किया था? ऑप्शन फर्स्ट है मिर्जा राजा जय सिंह। भैया ये वो बंदा है जिसने संधि करवाई थी, कौन सी? पुरंदर की संधि। कौन सी करवाई थी? पुरंदर की संधि। अच्छा, किसके मध्य हुई थी, याद रखना थोड़ा सा आप, कि भाई शिवाजी, शिवाजी वर्सेज औरंगजेब के मध्य हुई थी। तो भैया जब अगर मान लो कि मैं किसी को संधि करवा रहा हूं, तो मैं उसके तो पक्ष में हुआ ना, विपक्ष में कैसे हो सकता हूं? तो नहीं सकता है। तो महाराजा कर्ण सिंह भी नहीं है, अनुरुद्ध सिंह भी नहीं है, तो कुछ नहीं है। क्या आंसर इसका जरा सा? महाराणा राज सिंह। कौन है? महाराणा राज सिंह। ठीक है, अगला क्या है? जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? तो जयपुर को जो गुलाबी रंग रंगवाया है वो किसने रंगवाया है? राम सिंह सेकंड। किसने रंगवाया है? राम सिंह सेकंड ने रंगवाया। अगला प्रश्न देखो, जयपुर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार व नगर नियोजक कौन था? ऑप्शन ए लालचंद, मंडन मिश्र, राजवल्लभ और विद्याधर भट्टाचार्य। तो याद रखना दो बंदों के नाम, एक तो विद्याधर भट्टाचार्य, एक नाम रखना पुंडरीक रत्नाकर। क्या नाम है रे? पुंडरीक रत्नाकर। डिफरेंस क्या है दोनों में, मैं बताता हूं तुम्हें। तो मैं तुम्हें थोड़ी सी जानकारी दूं कि जयपुर की स्थापना जो हुई थी वो किसने करवाया था? सवाई जयसिंह। किसने करवाई थी? सवाई जयसिंह ने। जयपुर से पहले जो इनकी राजधानी हुआ करती वो क्या थी आपकी? आमेर। कौन सी थी वो? आमेर। सन 1207 में बनी और कब तक रही थी? 1727 तक। कितने साल तक? 520 वर्ष। 520 वर्ष तक रही थी, ध्यान रखना 520 वर्ष तक रही थी। 1727 के अंदर किसने? सवाई जयसिंह। किसने कराई थी? सवाई जय सिंह ने क्या कराया था? आमेर, सॉरी जयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। जयपुर को अपनी राजधानी बनाया। और उस समय उन किसने? पुंडरीक रत्नाकर ने एक यज्ञ किया था। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। कौन सा यज्ञ है? अश्वमेध यज्ञ। तो तुमसे पूछेगा अश्वमेध यज्ञ करने वाला आमेर का राजा कौन है? तो याद रखना क्या नाम है उसका? सवाई जयसिंह। क्या नाम है? सवाई जयसिंह। और तुमसे पूछ ले कि अश्वमेध यज्ञ के प्रमुख पंडित कौन थे, पुजारी कौन थे, पृष्ठ कौन थे? तो नाम याद रखना क्या नाम था उनका? पुंडरीक रत्नाकर। क्या नाम था? पुंडरीक रत्नाकर। विद्याधर भट्टाचार्य हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखो, जयपुर को कौन सा शासक तीन मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा करेंगे? तो सवाई जयसिंह सात बादशाह है, तो मिर्जा राजा जयसिंह हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्या है? छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश करने वाला शासक कौन है? मैंने अभी नाम बताया था, मैंने कहा था आपको कि संधि हुई थी, कौन सी? पुरंदर की संधि। इस पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई? शिवाजी और औरंगजेब के मध्य। किसके मध्य हुई थी? शिवाजी व औरंगजेब के मध्य। करवाने वाला कौन था? नाम बताया था मैंने, मिर्जा राजा जयसिंह। अगला क्या है? किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? तो बंदा कौन था भैया? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। अगला प्रश्न है, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष किसे बनाया गया? अच्छा, यह प्रश्न आपका आया प्रजामंडल आंदोलन से। किससे आया भैया? प्रजामंडल आंदोलन। जल्दी में वापस एक और वीडियो लेके आ जाएंगे, तब आपको पूरा प्रजामंडल आंदोलन बता दिया जाएगा। प्रजामंडल आंदोलन के लिए तुम याद रखना कि सबसे प्रथम अगर किसी प्रजामंडल की स्थापना हुई तो क्या नाम है उस प्रजामंडल का? जयपुर प्रजामंडल। क्या नाम है रे? जयपुर प्रजामंडल। कब हुई थी? 1931। कब हुई थी? 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी बताओ फटाफट? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बताइए फटाफट। अच्छा, इसकी एक और बात सुन लो, इस प्रजामंडल की स्थापना दो बार हुई है। एक तो कब हुई? 1531 में। एक हुई 1931 और 1936। यहां पर करने वाला कौन है और वहां पर करने वाला कौन है? तो मैं एक तो मैं बता दूं कि भाई 1936 में जमना लाल बजाज, किसने की थी? जमना लाल बजाज ने की थी। अब तुम्हें बताना है कि भाई 1931 में किसने की थी, 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की है? बताओ फटाफट। चलो कोई नहीं, बताता हूं मैं, कर्पूर चंद पाटनी। क्या नाम था उसका? कर्पूर चंद पाटनी। चलो आगे चले, निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? झालावाड़ प्रजामंडल कन्हैयालाल मित्तल, डूंगरपुर प्रजामंडल बोगीलाल पांड्या, बीकानेर प्रजामंडल, अच्छा यहां तो नाम लिखा ही नहीं है, चलो जैसलमेर प्रजामंडल मिठालाल व्यास। तो जैसलमेर का मिठालाल व्यास सही है। फिर आपका झालावाड़ प्रजामंडल, झाला मांगी, इसका आंसर क्या जाएगा? मांगीलाल। क्या नाम है भैया? मांगीलाल ने की थी इसकी स्थापना। फिर कौन है? डूंगरपुर, डूंगरपुर का कौन था? बोगीलाल पांड्या। क्या नाम था? बोगीलाल पांड्या, भोंडू आया जो डूंगरपुर में आया था, ठीक है ना। और फिर कौन सा था? बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल के लिए याद रखना थोड़ा सा आप, कि अगर तुमसे कोई पूछ ले बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो नाम याद रखना मगाराम वैद्य। क्या नाम था? मगाराम वैद्य।
अगला प्रश्न देखें, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल के संबंधित है? तो भैया वो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। लास्ट प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में संबंधित महिलाएं कौन थी? कृष्णा कुमारी थी, नारायणी देवी वर्मा थी, लक्ष्मी वर्मा थी या फिर चंद्रावती थी? तो याद रखना, नारायणी देवी वर्मा का संबंध किससे है? मेवाड़ प्रजामंडल से। किसकी पत्नी थी ये? माणिक्यलाल वर्मा। किसकी पत्नी थी? माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। आज के लिए इतना ही, बाकी क्लासेस करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।